हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में अगर आपको मैसेजेस आते हैं तो आप एक ही तरीके की टोन सुनते होंगे बार बार, जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है और सुनने को भी मिलती है। तो यहाँ पर गाइस, आप उस टोन को कैसे बदल सकते हैं और अलग टोन कैसे लगा सकते हैं या उसको बंद भी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन डॉट डॉट के आइकन पर जाना होगा। जैसे आप यहाँ पर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलेगी, तो सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाते ही यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर नोटिफिकेशंस मिलेगी, तो नोटिफिकेशंस पर भी आपको चले जाना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मैसेजेस नोटिफिकेशंस मिलती हैं। सबसे पहला है नोटिफिकेशन टोन, डिफ़ॉल्ट रिंगटोन, और यहाँ पर जो हमारी नाम है इसका और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लग रही है। उसके बाद नाउन से आप इसको बंद कर सकते हैं और यहाँ पर हर तरीके की आपको रिंगटोन मिल जाएगी। आप यहाँ पर चेंज कर कर उसको लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं चलाने वाला हूँ, आप चाहें तो चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टोन के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी फीचर आपको मिलते हैं, जैसे वाइब्रेट, डिफ़ॉल्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, पॉपअप नोटिफिकेशंस भी लगा सकते हैं और लाइट भी लगा सकते हैं। जैसे कि लाइट आपकी चलती है येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वो लगा सकते हैं। यहाँ पर लाइट जो आपके यहाँ पर सिस्टम पर चलती है, SMS आते हैं ग्रीन ब्लू, तो सबसे अच्छा वैसे यहाँ पर लगता है वाइट, वाइट ही लगाइएगा, वाइट ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।